अभी हमारे कॉलेज में आने वाले थे बॉलीवुड एक्टर, अभी आए थे मनोज वाजपेयी सर आए थे। उसके बाद सौरभ जोशी आया था भाई, शांतनु महेश्वरी आपको जानते ही होंगे। तो इनका व्यू ब्लॉक कर रहा है यार, है ना, समझ सकता हूँ मैं। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइज आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैन बी अठारह व्लॉग्स। सो गाइज, आज हमारे कॉलेज में आने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर, देखते हैं कौन से बॉलीवुड एक्टर आएंगे, तो चल के ही पता चलेगा। तो अभी नोटिफिकेशन आया है एंड नाउ मैं तो रेडी हो गया हूँ एंड अभी हम निकलते हैं सीधा कॉलेज के लिए, तो लेट्स गो। गाइज अभी मैं निकल रहा हूँ, देखते हैं कॉलेज की बस है या फिर रैपिडो देके चलना पड़ेगा। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं IMT कॉलेज एंड अभी हम चल रहे हैं सीधा क्लास करने के लिए, तो क्लास करने के बाद लंच में मिलते हैं फिर। तो फिलहाल आज हम लोग आए हैं, अबे रुक जा, तो भाई आज आए हैं हम लोग ग्राउंड पे लंच करने के लिए और हमारे तेज भाई के साथ एंड शुभम भाई के साथ मैं भी हूँ। तो फिलहाल ये हमारे सिंगर हैं, हमारे क्लास के सिंगर हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। तो भाई तुम अपना यूट्यूब चैनल कब से शुरू कर रहे हो? मैं थोड़े दिन बाद। अबे स्टार्ट करो आराम से, साथ में कोलैबोरेशन वगैरह किया जाएगा। अभी सीख रहा है भाई ने। अबे यार, और हमारे भी भाई आ रहे हैं, क्या नाम है इनका, मिनी ब्लॉगर। तो फिलहाल हमारे भाई आ रहे हैं मिनी ब्लॉगर, मिनी ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हैं। आज वो साथ में लंच करते हैं हम लोग। जब क्या बोलते पब्लिक, कुछ नहीं बोलते, औतात में दो, एक और बना, एक दो इंसान दस हजार बाल आदत कमाता है, वो कहाँ से देगा? कम से कम 6,000 तो कमाए। ये भी मीम है क्या? अबे मैं रुक दिखाता हूँ। सो गाइज अभी हम चल रहे हैं हॉस्टल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी नहीं आए थे, पता नहीं क्यों कारणवश नहीं आ पाए ना। अभी हम अपने हॉस्टल में निकलते हैं, बहुत दिन बाद तो धूप किया है इतना अच्छा ऐसा। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने हॉस्टल में, यानी अपने रूम पे आ गए हैं, तो रूम बिखरा पड़ा हुआ है मुझे पता है। सो आज बॉलीवुड एक्टर आने वाले थे बट पता नहीं क्यों किसी कारणवश नहीं आए वो। एंड अभी रेडी होके मैं निकल रहा हूँ जगत के लिए, क्योंकि अब जो मैंने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था ना उसको बाइंडिंग करानी है, सो वो भी सबमिट होने के लिए जाएगा। तो अभी IT का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब सबमिट नहीं करना, पहले बाइंडिंग वगैरह करा लेंगे उसके बाद फिर सबमिट करेंगे। तो पहले रेडी होके हम यहाँ से निकलेंगे जगत के लिए। तो पहले यहाँ पे मैंने चाय लाई है अभी एंड चाय पी के फिर जगत निकला जाएगा। देखते हैं आदर्श भी चलेगा तो आदर्श को भी लेके चलेंगे जगत में और वहीं पे बाइंडिंग वगैरह कराया जाएगा। सो गाइज हम भी रेडी हो गए हैं एंड अभी हम लोग चल रहे हैं जगत फॉरम चल रहे हैं। तो अभी तो दिख नहीं रहा होगा, 12 करीब 6 बजने वाले हैं। तो अभी हम और आदर्श भाई निकलते हैं जगत फॉरम, तो उसको बंद कर लेते हैं फिर चलेंगे। सो निकलते हैं हम लोग। सो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं जगत फॉर्म, तो रेडी होके भाई के साथ निकल रहे हैं। तो मेरे को IT का मतलब कुछ काम है समझ लो, कुछ खाएं पियेंगे ऐस करेंगे फिर आ जाएंगे। सो अभी ऊपर चलते हैं, अरे इसकी लाइट नहीं जल रही है, तो उसकी लाइट भी जला देते हैं पहले। अरे उसकी लाइट, अच्छा लग रहा है ये। हमारे कॉलेज में अभी आने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर, अभी आए थे मनोज वाजपेयी सर, उसके बाद यूट्यूबर सौरभ जोशी आया था, उसके बाद शांतनु महेश्वरी आपको जानते ही होंगे, कैंपस बीस्ट में जो कैंपस बीस्ट Season 3 किया है उसने, यानी कैंपस बीस्ट का सारे सीजन उसी ने किया है, शांतनु महेश्वरी श्रुति सिन्हा लोग आए थे एंड अभी एक लोग आओ और आने वाले हैं। सो आज आने वाले थे पता नहीं क्यों नहीं आए वो, सो क्या ही कर सकते हैं।
IMT कॉलेज में मैसेज तो दिए थे, वो IMT कॉलेज से मैसेज आया हुआ था कि वो आएंगे, बट नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं यशपाल शर्मा, नोएडा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नोएडा में IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में CV रमन हॉल में 28 तारीख को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जश्न जुनू, जो कि काव्य कॉर्नर जो संस्था है, वो फाउंडेशन है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड पूजा गंगानिया जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है। तो सभी लोगों को नोएडा के, मुझे मेरी गुजारिश है कि जरूर पहुंचे, मैं भी वहीं मिलूंगा। थैंक यू सो मच, सुनेंगे, अच्छा कार्यक्रम देखेंगे, मिलेंगे। पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, तो क्या ही कर सकते हैं। सो अभी और भी आएंगे तो और भी व्लॉग उनके साथ रहेगा। सो इस व्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो बोलिए राधे राधे।